चित्रकेतु नाम के एक राजा जिन्होंने सब कुछ था, चित्रकेतु के पास पुत्र नहीं था। एक संत जी से कहा, महाराज बेटा नहीं है, कृपा करो तो बेटा हो। संत ने कहा, राजन तेरी किस्मत में 7 जन्म तक बेटा नहीं है। राजा रोने लगे, महाराज एक जन्म तो काटा कटता नहीं, आपने 7 जन्म की भविष्यवाणी कर दी, क्या करूं, तेरी किस्मत ऐसी है तो मैं क्या कर सकता हूं, महाराज कुछ करो। संत ने भाग्य बदला, एक फल निकाला और कहा, लो अपनी पत्नी को खिलाना, बेटा होगा। और कहा, तुझे बेटा मिलेगा पर याद रखना, सुख और दुख दोनों देगा। राजा बोले, ठीक है। बड़ी पत्नी का नाम कृतद्युति था, फल खिलाया, कुछ दिनों बाद वो गर्भवती हुई, समय आया, सुंदर सा बच्चा पैदा हुआ, इतना बढ़िया था। राजा ने गांव में, नगर में, घर घर लड्डू बांटे, बेटा हुआ, बधाई ले लो, खूब आनंद हुआ, उत्सव मनाया। एक रानी के बेटा हुआ था ना, बाकी रानियां जो थी उनको बेटा, राजा की बहुत सारी पत्नियां थी और बेटा एक को हुआ, और बाकी पत्नियों के अंदर जलन होने लगी कि राजा उससे ज्यादा प्यार करने लग गए हैं जिसको बेटा हुआ, हमको तो देखते नहीं। तब उन रानियों ने जलन के कारण उस नन्हे से बच्चे को जहर देकर के मार डाला। आज लोग इसलिए दुखी नहीं है कि हमारे घर खाने को नहीं है, दुख इस बात का है कि पड़ोसी 56 प्रकार का क्यों खा रहा है। दूसरों का उत्कर्ष देखकर, दूसरों की उन्नति देखकर लोग जले जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, परेशान हैं। यही इनके दुख का सबसे बड़ा रीजन है, कारण है। प्रिय भक्तों, उन रानियों ने उस बच्चे को, नन्हे से बालक को जहर देकर जो मारा, बच्चा जहर खाया, सोया, ऐसा सोया जागा ही नहीं। सुबह राजा रानी ने देखा, मेरा लाल जागा नहीं, जाकर देखा तो मरा पड़ा। राजा रोने लगे, रानी विधाता को कोसने लगी, विधाता बड़ा निर्दयी है तू, अरे मारना था मुझे, मार दिया होता, मेरे नन्हे से बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा था। अब रानी विलाप कर ही रही थी, तभी वहां देवर्षि नारद जी आ गए। नारायण नारायण, राजा क्यों रो रहे हो? महाराज देखिए ना, मेरा बेटा मर गया। नारद जी ने कहा, राजन इस सृष्टि का नियम है, जो आएगा जाना पड़ेगा, आना जाना सृष्टि का नियम है, किस किस के मरने पर तुम रोओगे, और रोने से होगा क्या? अब तो राजा बोले, महाराज मुझे ज्ञान मत दो, बस मेरा बेटा जिंदा करो, ऐसी कृपा करो कि मेरा बेटा जीवित हो जाए, मेरा बेटा जीवित हो जाए, ऐसी कृपा करो। अच्छा ठीक है, नारद जी ने लाख समझाया उस चित्रकेतु को, पर समझ में ना आया। अंत में स्वयं हाथ में जल लेकर नारद जी ने उस मरे हुए बच्चे के ऊपर डाला, वो मृत बच्चा उठकर बैठ गया, खड़ा हो गया, जिंदा हो गया। राजा दौड़ पड़े, बेटा आ, तुझे अपने हृदय से लगा लूं और तुझे ढेर सारा प्यार कर लूं। उस बच्चे ने कहा, खबरदार पहले ये बताओ आप कौन है, आपका परिचय क्या है? पिता ने कहा, कैसा बेटा है तू, अपने पिता से परिचय पूछ रहा है? मैं तेरा पिता भूल गया, मैं तेरा पिता हूं। उस बच्चे ने कहा, पिताजी आप किस जन्म के पिता हैं? अरे मैं तेरा पिता हूं, इसी जन्म का। उस बच्चे ने कहा, पिताजी कितनी बार मेरा जन्म हुआ और कितनी बार आपका जन्म हुआ, किस जन्म का रिश्ता रखते हो? पिछले जन्म में मैं भिखारी था, तो मेरे द्वारा आपका और मेरा कोई हिसाब बाकी रह गया था, वो चुकाने आया था। क्या हिसाब बेटा? तब उस बच्चे ने कहा, पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी था और आपके घर भीख मांगने आया था, तो आपने मुझे गेहूं का आटा और साथ में गाय का सूखा हुआ गोबर, ओपले, कंडे आपने मुझे दिए। मैंने नदी के किनारे उन ओपलों में, कंडों में आग लगाई, ध्यान नहीं दिया, उनमें ढेर सारी चींटियां थी, आग लगा दी, सारी चींटियां जल के राख हो गई। और मैंने उसी आग से 5 रोटियां, जो आपने गेहूं का आटा दिया था उसको मैंने गूंथ कर रोटियां बनाई, तो 5 रोटियां बनी। मैंने पिछले जन्म में आपकी 5 रोटियां खाई थी, सो आपका इस जन्म में 5 वर्ष तक आपका बेटा बनके मैंने 5 रोटियों का हिसाब चुकाया है। और मैंने उन चींटियों को जला के मारा था, तो आज वही चींटियां आपकी पत्नियां बनके आई और आज उन्होंने मुझे जहर देकर के मारा है।
मैंने तो भगवान को भोग लगाकर रोटियां खाई तो एक जन्म में सबका हिसाब चुक गया, नहीं तो पिताजी ना जाने कितने जन्म लेके मुझे सबका हिसाब किताब अलग अलग चुकाना पड़ता। भगवत कृपा से एक जन्म में सबका